मापन। इस वीडियो में मापन का अर्थ एवं आवश्यकता, मापन के मानक मात्रक, मापन पद्धतियां, लंबाई का मापन, वक्र रेखा का मापन, एक दो तीन। ओहो खोजी, तुमने फिर से छोटा कदम लिया, दोबारा गिनो। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। एक दो तीन। अरे खोजी, ये कौन सी गिनती शुरू कर दी तुमने? नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते बच्चों, क्या कर रहे थे तुम दोनों? वो दीदी, बात ये है कि अगले सप्ताह स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है और हम दोनों 100 मीटर की दौड़ में भाग ले रहे हैं, इसलिए हम 100 मीटर की दूरी माप रहे थे ताकि हम दौड़ का अभ्यास कर पाए। तुम दोनों अपने कदमों से 100 मीटर कैसे मापोगे? दीदी, टीचर जी ने कहा था कि 1 मीटर लगभग उनके 1 कदम के बराबर होगा, तो जहाँ पर 100 कदम हो जाएंगे वहाँ पर हम मान लेंगे कि 100 मीटर हो गया। अरे मेरे बाल वैज्ञानिकों, टीचर जी का कदम तो कितना लंबा है और तुम्हारा कितना छोटा, फिर कैसे सही अनुमान लगाओगे? अरे हाँ दीदी, ये बात तो हमारे दिमाग में आई ही नहीं। अब हम सही दूरी कैसे मापेंगे दीदी? चलो कक्षा में मापन के बारे में सारी बातें वहीं पर करेंगे। चलो आप बताइए ना दीदी। बच्चों, दैनिक जीवन में हर रोज बहुत सी गतिविधियों में सही मापन का होना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। कैसी गतिविधियाँ दीदी? जैसे बाजार से फल सब्जियाँ अनाज लाते हैं तो दुकानदार तराजू में उन्हें तोल कर देता है ताकि उचित मूल्य में सामान की उचित मात्रा ग्राहक को मिले। वो हुआ द्रव्यमान का मापन। और तुम लोग सुबह 8 बजे घर से स्कूल के लिए निकल जाते हो ताकि समय पर स्कूल पहुंच सको, तो वहाँ तुम करते हो समय का मापन। दर्जी भी कपड़े सिलने से पहले लंबाई का माप लेता है। हाँ दीदी, माप सही ना हो तो कई बार वो पैंट छोटी भी सिल देता है। ठीक कहा खोजी, इसीलिए भौतिक राशियों के सही मापन के लिए उचित मात्रक का ही उपयोग करना चाहिए। भौतिक राशियाँ और मात्रक, अब ये क्या होते हैं दीदी? बताती हूँ बच्चों, ऐसी राशियाँ जिन्हें माप कर संख्या में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। लंबाई को भी तो माप कर लिख सकते हैं, यानी कि लंबाई एक भौतिक राशि है ना दीदी? हाँ सवाली, लंबाई के अलावा आयतन, द्रव्यमान और समय आदि भी भौतिक राशियां ही हैं। अब मात्रक के बारे में समझाइए ना दीदी। समझाती हूँ बच्चों, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को मानक मानकर उस मात्रा से भौतिक राशि की तुलना की जाती है। उसी मानक को मात्रक यानी यूनिट कहते हैं। समझ नहीं आया दीदी। उदाहरण देकर समझाती हूँ बच्चों, प्राचीन काल से ही मनुष्यों ने मापन के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग किया है। जैसे मिश्र के लोग लंबाई मापने के लिए हाथ यानी कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई का उपयोग करते थे और रोमवासी अपने कदमों से लंबाई मापते थे। बिल्कुल खोजी की तरह ना दीदी। हाँ सवाली, गज इकाई का उपयोग भी होता था। 1 गज कपड़ा लोग अपनी बांह के 1 सिरे से ठोड़ी तक मापते थे। इस प्रकार गज कपड़ा मापने के लिए भी एक मात्रक था। अब समझे ना? हाँ दीदी, लेकिन किसी का हाथ लंबा होता होगा तो किसी का छोटा, तो माप भी अलग अलग आता होगा। सही कहा तुमने खोजी, उस समय संसार में अलग अलग स्थानों पर एक निश्चित दूरी अलग अलग तरीकों से मापी जाती थी। हर जगह मात्रक अलग थे।
इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए वर्ष 1790 में फ्रांसिसियो ने मापन पद्धति की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। मापन पद्धति? हाँ बच्चों, सही मापन के लिए ये आवश्यक है कि मात्रक ऐसा हो जिससे किसी भी व्यक्ति द्वारा मापने पर माप एक समान आए। इसी समानता के लिए मापन पद्धति का विकास हुआ और वैज्ञानिकों ने मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार किया। कैसा सेट दीदी? सबसे पहले मीटर, किलोग्राम, सेकंड, यानी MKS प्रणाली से इसकी शुरुआत हुई और फिर मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, यानी MKSA से होते हुए आज की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का निर्माण हुआ, जिसे संक्षिप्त में SI सिस्टम कहते हैं। आज पूरे विश्व में मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के मानकों का उपयोग होता है। इन मानकों को कौन निर्धारित करता है दीदी? सवाली, मानक निर्धारण करने का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों को फ्रांस की राजधानी पेरिस के नापतोल ब्यूरो में सुरक्षित रखा जाता है। हमारे भारत में भी मानक मात्रकों को रखा जाता है क्या दीदी? हाँ खोजी, भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों के प्रतिरूप राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL नई दिल्ली में सुरक्षित रखे गए हैं। पता है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में विभिन्न भौतिक राशियों के मापन के लिए 7 मूल मात्रकों और 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया है। कौन सी भौतिक राशि के लिए कौन सा मात्रक उपयोग होता है दीदी? सवाली, लंबाई के लिए मीटर और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम मात्रकों का उपयोग होता है। मीटर को M और किलोग्राम को KG संकेतों से निरूपित करते हैं, यानी लिखते हैं। और कौन से मात्रक हैं दीदी? बच्चों, समय को सेकंड, ताप को केल्विन, पदार्थ की मात्रा को मोल, ज्योति तीव्रता को कैंडेला तथा विद्युत धारा को एम्पियर मात्रकों द्वारा मापा जाता है। और जानते हो, सेकंड को S, केल्विन को K, मोल को MOL, कैंडेला को CD तथा एम्पियर को A संकेत से निरूपित करते हैं, समझे? हाँ दीदी। और एक जरूरी बात, दैनिक जीवन में ताप को डिग्री सेल्सियस से मापते हैं। दीदी, हमें जो 100 मीटर दूरी मापनी है उसे हम सही तरीके से कैसे माप सकते हैं? खोजी, इसके लिए हमें लंबाई और उसके मापन के बारे में अच्छी तरह से समझना होगा। तो फिर समझाइए ना दीदी। बच्चों, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी लंबाई कहलाती है। अंग्रेजी में इसे लेंथ कहते हैं। ये किसी दी गई वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या 2 स्थानों के मध्य की दूरी के रूप में भी हो सकती है। लंबाई को मीटर मात्रक से ही मापेंगे ना दीदी? हाँ खोजी, लंबाई के मापन के लिए मीटर पैमाने का उपयोग किया जाता है। तुम सबने देखा होगा कि दर्जी माप लेने के लिए मीटर फीते का उपयोग करता है। हाँ दीदी, मेरी माँ भी कपड़े सिलती हैं, उनके पास भी बिल्कुल वैसा ही फीता है। हम उससे मैदान की दूरी मापेंगे क्या दीदी? नहीं खोजी, वो छोटे माप के लिए बना होता है, बड़े माप के लिए एक ज्यादा लंबा फीता बना होता है। कल मैं उसे ले आऊंगी, फिर हम मिलकर 100 मीटर की दूरी माप कर निशान लगा लेंगे। दीदी, छोटी बड़ी लंबाइयों के लिए अलग अलग पैमाने बने होते हैं। हाँ खोजी, अब इस पेंसिल को देखो, इसकी लंबाई को मापने के लिए तुम अपने ज्यामिति बॉक्स के पैमाने का उपयोग कर सकते हो।
लेकिन अगर स्कूल से घर की जैसी कोई लंबी दूरी मापनी हो तो मीटर पैमाने से 10 गुना, 100 गुना या 1000 गुना बड़े मात्रकों का उपयोग किया जाता है। इसी तरह छोटी लंबाइयों के मापन के लिए मीटर के 10वें, 100वें और 1000वें भाग के मात्रकों का उपयोग किया जाता है। सच्ची दीदी? हाँ खोजी, तुम सबने किलोमीटर तो सुना ही होगा। किलोमीटर मीटर का 1000 गुना होता है, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। दीदी, पेंसिल को तो हम सेंटीमीटर पैमाने से मापते हैं। हाँ सवाली, वो छोटी लंबाई है, इसलिए उसे मीटर के 100वें भाग यानी सेंटीमीटर से मापते हैं। पता है बच्चों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब मैं समझ गया दीदी कि पैमाने से हम कैसे वस्तु को माप सकते हैं। अभी इस किताब की लंबाई माप कर दिखाता हूँ। रुको खोजी, ये मापने का सही तरीका नहीं है। इस तरह तुम्हारा माप कभी सही नहीं आएगा। तो फिर कैसे मापना है दीदी? बच्चों, पैमाने द्वारा किसी भी वस्तु को मापते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन सी बातें संपर्क दीदी? पैमाने को वस्तु से इस प्रकार सटा कर रखना चाहिए कि पैमाने पर अंकित 0 वस्तु के उस सिरे पर हो जहां से हमें मापन शुरू करना है। देखो, बिल्कुल इस तरह, ठीक है? हाँ संपर्क दीदी। दूसरी बात, माप लेते समय आंख की स्थिति उस बिंदु के बिल्कुल सामने होनी चाहिए जिसका मापन करना है। किंतु ऐसा क्यों दीदी? खोजी, यदि हमारी आंख बिंदु के दाईं या बाईं ओर होगी तो बिंदु पर हमारी दृष्टि तिरछी पड़ेगी। इस कारण अंतिम बिंदु पर माप का मान अधिक या कम दिखाई देगा और माप गलत हो जाएगा। और अंतिम बात ये ध्यान में रखनी है कि यदि पैमाने का सिरा टूटा या घिसा हुआ हो तो अगले स्पष्ट खाने को प्रारंभिक मान लेना चाहिए, समझे ना? फिर अंतिम बिंदु पर आए मान में से प्रारंभिक बिंदु के मान को घटाकर सही माप का पता लगाया जा सकता है। हाँ दीदी। एक और बात बच्चों, जो लंबाइयां सीधी रेखा में होती हैं, उन्हें तो हम पैमाने से माप सकते हैं, लेकिन जो लंबाइयां वक्र रेखा में यानी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, उन्हें सीधे ही पैमाने द्वारा नहीं मापा जा सकता। उनको कैसे मापेंगे दीदी? ये जानने के लिए चलो संपर्क भैया के पास चलते हैं। अरे वाह, आ गए तुम सब मुझसे मिलने। कैसे हो बच्चों? आओ मिलकर वक्र रेखा की लंबाई मापना सीखते हैं। देखो, मैंने इस कॉपी में एक वक्र रेखा बनाई है। अब इसके मापन के लिए हमें चाहिए एक पैमाना, एक धागा और एक पेन। सबसे पहले हम इस धागे के एक सिरे पर गांठ बांध लेते हैं। इस गांठ को वक्र रेखा के एक सिरे पर रख देते हैं। अब इस तरह धागे को अपनी उंगली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखते हैं। इस बिंदु पर अब धागे को इस तरह पकड़ लेंगे। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए हमें आखिरी सिरे तक मापना है और धागे का जो भाग आखिरी सिरे तक पहुंचा है उस पर पेन की सहायता से एक निशान लगा लेते हैं। अब इस प्रकार धागे को पैमाने के अनुदिश रखते हैं और गांठ तथा निशान के बीच की दूरी को माप लेते हैं। देखो, 12 सेंटीमीटर माप मिला। यही इस वक्र रेखा का माप है। देखा बच्चों, इस प्रकार एक धागे की सहायता से हम आसानी से वक्र रेखाओं की लंबाइयां माप सकते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर किसी दिन मिलेंगे।
समझ गए ना कैसे मापना है वक्र लंबाइयों को? हाँ दीदी, अब हम समझ गए कि कैसे सही तरीके और सही मात्रक द्वारा वस्तुओं का मापन किया जाता है। तो फिर अब मेरे सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार हो ना? हाँ दीदी। तो फिर बताओ कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? जिन राशियों को मापकर हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप आदि भौतिक राशियाँ हैं दीदी। शाबाश बच्चों। अच्छा अब ये बताओ कि किसी व्यक्ति की कमर का माप लेने के लिए कौन से मात्रक और संसाधन का उपयोग करेंगे? दीदी उसके लिए हम मीटर मात्रक का उपयोग करेंगे। और मापने के लिए मीटर फीते का उपयोग करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब ये बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली यानी SI सिस्टम के अनुसार ताप का मात्रक क्या है? याद नहीं आ रहा दीदी। बच्चों ताप का मात्रक केल्विन होता है। अरे हाँ अब याद आ गया, उसे के से निरूपित करते हैं ना? हाँ खोजी, बच्चों अब लगता है कि तुम सब मापन के बारे में जान गए हो। चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।